तो गाइस जैसा कि तुमको पता होगा, लास्ट टाइम हमने अपने GTA 5 के ग्राफिक्स को AI की हेल्प से 2015 में कन्वर्ट करके देखा था, लेकिन आज मैं अपने GTA 5 को AI की हेल्प से अपने ग्राफिक्स को 2077 वाले ग्राफिक्स में देखने वाले हैं। यार मजा तो आएगा ही, क्योंकि आगे हम अपने GTA 5 के कैरेक्टर्स के जो घर हैं वो भी 2070 वाले ग्राफिक्स में देखने वाले हैं। वेल तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपनी फर्स्ट लोकेशन से, वेस्ट प्यूजी बीच वाली साइड। यहाँ पर यार मैंने जल्दी जल्दी में एक बंदे को टक्कर मार दी। चलो खैर कोई नहीं, आगे जाकर अपनी गाड़ी को पार्क करके वो जो यार्ड खड़ी है ना, इसको AI की हेल्प से एनहांस करके देखते हैं। ओके तो गाइस यहाँ पर मैंने अपनी लफरारी को रोक दिया, भी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, इसको मैंने एनहांस भी कर दिए। भाई साहब यार तुम रिजल्ट चेक करो इस तो। यहाँ पर यार ये बिल्डिंग्स कहाँ से आ गई और ये अपनी यार्ड किस यार्ड में कन्वर्ट होगी? एक सेकंड, इसको तो छोड़ो, अपने जो NPC है, अपना जो बंदा है वो तो रोबोट्स में चेंज हो गए हैं, एंड अपनी जो गाड़ी का रेड कलर में ग्रीन गाड़ी हो गई है। वहां पर देखो भाई सब कितनी सारी बिल्डिंग्स बन चुकी है। यार मैं तुम्हें बता दूं, ये तो कुछ भी नहीं, आगे तो एक ऐसी लोकेशन है जिसको मैंने एनहांस किया तो भाई बिल्कुल फ्यूचर सिटी में चेंज हो गई। अगर देखना है तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। ओके तो गाइज अभी मैं अपनी सेकंड लोकेशन पर चुका हूँ, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल कर से एनहांस करके देखते हैं। ये लोकेशन तो भाई तुमने भी पहले कई बार देखी होगी। वेल तो गाइस यहाँ पर मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको एनहांस कर दिए। भाई साहब तुम रिजल्ट्स चेक करो इसकी। यार मेरे ख्याल से ये तो कुछ ज्यादा ही एनहांस हो गया। इतना ही नहीं, आगे तो और भी बहुत सारी खूबसूरत लोकेशन है, वो तो तुम खुद सोचो वो कितने एनहांस होकर कितने अच्छे दिखेंगे। वेल तो गाइस अभी मैं अपना लग्जरी हेलीकॉप्टर लेकर आ चुका हूँ प्ले बॉय मेंशन में। जल्दी से यहाँ पर रुक कर इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसको एनहांस करके देखते हैं कि 2077 के ग्राफिक्स में कैसे देखने वाली है। वेट भाई साहब, इसके ग्राफिक्स चेक करो, ये जो ट्रीज हैं इसके टेक्सचर्स चेक करो भाई साहब, कितने रियलिस्टिक हो चुके हैं। एंड अपने हेलीकॉप्टर का तो यार पता नहीं क्या हो चुका है, अपनी गाड़ियों का तो इससे भी ज्यादा कचरा हो चुका है, अपना बंदा तो रोबोट में चेंज हो चुका है, पता नहीं क्या कुछ हो गया है, समझ में ही नहीं कुछ भी आ रहा। और गाइस यहाँ पर देखो एक रोड बन चुका है, ये यार सच में अपनी गेम में होता तो बहुत अच्छा लगता है। वेल तो गाइस अभी मैं ना पुलिस वाला ऑफिसर बनकर आ चुका हूँ पुलिस स्टेशन में, एंड मैं ना पुलिस स्टेशन को एनहांस करके देखने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया है, अभी जल्दी से मैं अंदर चला जाता हूँ एंड सामने से कोई अच्छा सा स्क्रीन शॉट लेकर इसे एनहांस करके देखता हूँ। ओके तो गाइस यहाँ पर मैंने अपनी पुलिस स्टेशन को एनहांस कर दिया है। भाई साहब गाड़ियों के तो कचरे हो गए, लेकिन जो पुलिस स्टेशन है ये सच में 2077 तो क्या, ये यार 2099 वाले ग्राफिक्स में ऐसे लग रहा है जैसे चेंज हो गई। और ट्रीज के तो टेक्सचर्स भाई साहब ये इतना खतरनाक बनाता है कि क्या ही बताएं। ओके तो गाइस यहाँ पर ना मैं रास्ते में आ रहा था, मुझे ये गाड़ी मिल गई, मैंने सोचा इस गाड़ी का फायदा उठा लेते हैं। अभी थोड़ा आगे आ ही रहा था तो मुझे एक हॉस्पिटल देखे, मैंने सोचा हॉस्पिटल को एनहांस करके देखते हैं। यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी से उतर चुका हूँ, सामने बंदा अपना फोटो निकाल रहा है। तेरी ऐसे किससे पूछ कर बेटा तूने फोटो निकाली, ले मर जा। अबे इसकी तो एक तो मैं पुलिस ऑफिसर, दूसरा इसने मेरी फोटो निकाली, ऊपर से मुझसे लड़ रहा है, तेरी तो इसको मैंने तीन ही मुक्कों में खत्म कर दिया ही। अभी जल्दी से मैं अपनी हॉस्पिटल को एनहांस करके देखने वाला हूँ। ओके तो गाइस यहाँ पर मैं इसको AI की हेल्प से एनहांस कर दिया, एंड भाई ये भी कुछ कम नहीं लग रही, लेकिन यार मैं दिल से बात करूँ तो मुझे इतना मजा नहीं आया इस हॉस्पिटल को एनहांस करने में। चलो फिर ऐसा करता हूँ, मेरे पास जो बुगाटी है ना उसको मैं कसिनो में लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर मैं कसिनो में आ चुका हूँ, इसको मैंने टर्न कर दिया, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे एनहांस करके देखते हैं। ओके तो गाइस यहाँ पर मैंने इसको एनहांस कर दिया, एंड भाई साहब इसके ग्राफिक्स से ना सच में बताऊं तो बहुत रियलिस्टिक लग रहे हैं। एंड यार यहाँ पर एक कार पता नहीं कहाँ से आ गई, AI ने ऐड कर दी। चलो खैर ऐसा करते हैं, मेरे पास बुगाटी है, तुमको तो पता होगा कि कितनी फास्टेस्ट दुनिया की सबसे फास्ट कार अपने पास है। तो अभी मैं सोच रहा था कि ड्राइवर के गाँव में चलते हैं। वेल तो अभी मैं ड्राइवर के गाँव में तो आ चुका हूँ, जल्दी से सामने ड्राइवर का घर है, वहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं, अपने जो ड्राइवर है इसके घर को एनहांस करके देखते हैं कि अगर ये 2077 में होता तो कैसा दिखता। वैसे तो गाइस मैं जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क कर देता हूँ। एक सेकंड, ये साइड में गोलियां कौन चला रहा है?
ओ वेट, ये तो रोन है यार, मुझे ना गोली लग जाए। मैं ऐसा करता हूँ, ये बोटल्स को शूट कराए। बे भाई साहब, तो अपना पिस्टल मुझे दे दे, मैं बोटल्स को शूट करके देखता हूँ कि मुझसे ही शूट हो पाती है नहीं। वेल तो गाइस, यहाँ पर मैंने अपना पिस्टल ले लिया है एंड सामने जो बोटल्स कड़ी है ना, एक में इसको गिरा दिया एंड दूसरी भी यार गिर गई, लेकिन यार ये पता नहीं टूटती क्यों नहीं। चलो खैर जो भी, अभी अपने घर को एआई की हेल्प से एनहांस करके देखते हैं। ओके तो गाइज, यहाँ पर मैंने इसको एनहांस कर दिया। भाई सब ड्राइवर के कचरे वाले इस ये जो ट्रेलर था इसको देखो भाई, कितना एनहेंस हो चुका है। इसके अलावा ड्राइवर तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, बाकी इसकी जो कार है वो भी एआई ने यार काफी तकड़ी तरीके से एनहेंस करी है। वेल दोस्तों, ड्राइवर का घर तुमको कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताना। बाकी अभी मैं पता नहीं किस ऐसी लोकेशन में आ चुका हूँ जहाँ पर एक फ्रूट वाला फ्रूट बेच रहा है, तो मैंने सोचा इसको भी एनहेंस करके देख लेते हैं। वेल तो यहाँ से स्क्रीनशॉट अच्छा निकल आएगा। ओके तो गाइस, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है एंड भाई ये तो लग ही नहीं रहा कि कोई यहाँ पर फ्रूट वाला ठहरा था। और ये जो ड्राइवर की हेट है ये देखो भाई कितना किलो कर रही है। ओ वेट यार दोस्तों, सामने देखो वो जो फॉरेस्ट था उसकी जगह पर ये बिल्डिंग्स लग चुकी हैं। भाई साहब, ये रिजल्ट सच में बहुत ही खतरनाक लग रहा है। वेल गाइज, लास्ट टाइम वो जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने अपने एयरपोर्ट को एनहेंस किया था, लेकिन मैंने ना यहाँ पर अपने GTA 5 में ट्रेन स्टेशन को कभी भी एनहेंस नहीं किया है। ट्रेन स्टेशन तो अपने GTA 5 में है ही नहीं, या है मुझे नहीं मालूम, तो मैंने सोचा यहाँ पर ही अपनी गाड़ी को रोककर इसे एनहेंस करके देख लेते हैं। इसका रिजल्ट भी यार कुछ कम नहीं है, लेकिन यार AI ने अपनी ट्रेन को गायब कर दिया है। बाकी रोड्स और लैंड क्रूजर भी अच्छी लग रही है। वेल दोस्तों, अभी ना मैंने सोचा क्यों ना माउंट चिलियर्ड को एनहेंस करके देखा जाए, तो यार मैंने देरी नहीं करी, अपनी लैंड क्रूजर को लेकर मैं आ चुका हूँ अपनी माउंट शिलियाड पे यार, एंड इसको एनहेंस करके देख लेते हैं। भाई साहब, ये तो बहुत ही खतरनाक तरीके से एनहेंस हो चुका है। यहाँ पर यार ये जो दो हाइकर्स हैं ये भी अच्छे तरीके से एनहेंस हो चुके हैं। वहां पर तो एक सिटी बन चुका है एंड वो जो बंदे हैं वो तो भाई गायब भी हो गए। दोस्तों क्या तुमको पता है यहाँ पर ना एक UFO भी है, तो उसको भी ना एनहेंस करके देखने वाले, लेकिन लास्ट में इससे पहले अपनी माइकल का जो घर है ना उसको एनहेंस करके देखते हैं। अभी मैं ना अपनी लेम्बोर्गिनी सियान लेकर आ चुका हूँ माइकल के घर में। यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क करके एक अच्छे से लोकेशन पे अपने माइकल को खड़ा करके एनहेंस करके अपने घर को देखते हैं। ओके तो गाइज, यहाँ पर मैंने अपने घर को एनहेंस तो कर दिया है एंड भाई साहब ये रिजल्ट बहुत ही भयानक लग रहे हैं, लेकिन यार मैं सच बताऊँ तो ड्राइवर का घर इससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। वेल गाइज, अभी इस लोकेशन को देखो भाई कितनी खूबसूरत लग रही है, और ये कौन सी लोकेशन है तुम कमेंट में लाजमी बताना। बाकी यार यहाँ पर तुम देखो तो एक ऐसा लग रहा है जैसे किसी फ्यूचरिस्टिक सिटी में हम आ चुके हो। वेल गाइज, अभी अपना ये जो लास्ट UFO है इसको भी मैंने एनहांस कर दिया। ये है मिलिट्री बेस के ऊपर जो UFO स्पॉन होता है ना, वो UFO है, तो इसको भी यार मैंने एनहांस कर दिया है एंड ये भी बहुत ही खतरनाक तरीके से एनहांस हो चुका है। वेल दोस्तों, यही थे आज की लोकेशंस जिन को हमने 2077 के ग्राफिक्स में एनहांस किया है। बाकी अगर 2050 वाले ग्राफिक्स को देखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो में आ जाओ। और हाँ, मैंने ना अपने GTA 5 को GTA 6 में मोड्स की मदद से कन्वर्ट किया है, अगर वीडियो देखी नहीं तो राइट वाली वीडियो में आ जाओ।